हाय फ्रेंड्स, राजसागर चौधरी दिल्ली से आरएस ग्रीन व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल एप्लीकेशन की गाड़ी कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है, कैसे इसका फैब्रिकेशन होता है, उस यूनिट पर आए हैं और आपको भी कुछ जानकारी हम शेयर करना चाहते हैं। ये एक नया मॉडल आया है टाटा में, 1812 CNG की गाड़ी है ये, और इस पर मिल्क कंटेनर ये फैब्रिकेट किया जा रहा है। ये देखिए, बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। इसके रिजल्ट, इसके जो रिस्पांस है मार्केट से, अच्छा है। और हम गाड़ी के बारे में आज कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको इसका, क्योंकि हम फैब्रिकेशन यूनिट पर हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑल ओवर लुक आप देख रहे हैं गाड़ी का। इस तरह की गाड़ी है, मिल्क वैन होती है, मिल्क वैन बोलते हैं, मिल्क कैरियर भी इसको कहते हैं। CNG की गाड़ी है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा गाड़ी का भी हम दिखाएंगे आपको हिस्सा। ये देखिए, ऑल ओवर लुक हम दिखाएंगे आपको, अंदर भी इसके लेके चलेंगे। इस ये पफ वाली भी गाड़ी बनती है, एक पफ फिलिंग होती है जिसमें, ये वो नहीं है, ये थर्माकोल की फिलिंग है। बेटा थर्माकोल है, जरा दिखाओ जरा थोड़ा, थर्माकोल का टुकड़ा। अभी काम चल रहा है तभी हम दिखा रहे हैं आपको, मिल्क वैन है ये, और ये 22 फुट की गाड़ी है। जैसे कि हमने बताया था, अभी इसकी लोडिंग स्पैम जो है, पिछला हिस्सा जिसमें माल लोड होगा, दूध के जो क्रेट्स आएंगी, अमूल के क्रेट जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, ये वाले इस तरह के जो होते हैं, और मदर डेयरी के जो होते हैं क्रेट्स, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, वो आती हैं 1100 के आसपास, 1100 क्रेट्स इसमें आ जाती हैं। और अमूल का जो होता है वो छोटी होती हैं, तो 1200 के आसपास आ जाती हैं। ये थर्माकोल बड़ा फेमस है, ये सब जानते हैं, थर्माकोल इसमें भरा जाएगा, भर दिया गया है थर्माकोल अंदर दोनों दीवारों के बीच में। इसके अंदर फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये देखिए इतना मोटा है, ये लगभग 2.5 इंच के, तीन तो नहीं है, 2.5 इंच के आसपास का है ये। देखिए अंदर का हिस्सा, ये शीट है इस लोहे की, जस्ती बोलते हैं इसको, ये जस्ती शीट होती है जिसमें शाइनिंग होती है, जस्ती होती है, और जो काली होती है ब्लैक अलग से होती है, जस्ती शीट में ही बनता है। जब भी मिल्क कंटेनर बनेगा कहीं भी, जस्ती शीट ही बनता है। ये देखिए, ऊपर हम चढ़ नहीं पाएंगे, ये नीचे एंगल लगे हुए, गोल सरिया जिसको कहते हैं। ये देखिए अंदर से, ये 22 फुट का है, इसमें अमूल की 1100 क्रेटें आएंगी, और मदर डेयरी अमूल की 1200 आएंगी, और मदर डेयरी की 1100 आएंगी क्रेट्स इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह की ये गाड़ी बनती है, दूध के जो क्रेट्स होते हैं, मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, इस तरह के दूध की जो क्रेट्स होती हैं, जब रात में ज़्यादा देखने को मिलती हैं गाड़ियाँ, दिन में कम मूवमेंट रहती है इनकी, क्योंकि रात रात में पूरी दिल्ली को या किसी और शहर में ये दूध की सप्लाई देनी होती है पूरे शहर के लिए। तो इस तरह की गाड़ियाँ बनती हैं, इस तरह के यूनिट पर हम विजिट की आज कर रहे हैं। ये CNG की गाड़ी है दोस्तों, अगर किसी भाई को इस तरह की कोई गाड़ी बनवानी हो तो उसमें भी आप हमारा थोड़ा कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कोई सुझाव चाहिए तो हमसे आप फ़ोन कर सकते हैं। ये देखिए गाड़ी का भी हम थोड़ा पोर्शन दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं आप, ये इंजन है और ब्रेक ऑयल है, सब अलग अलग ये पार्ट्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गई है, सब ये क्लच वगैरह सब इसमें मिलेगा आपको। ये केबिन है, केबिन वाली गाड़ी है, और पीछे वेंटिलेशन के लिए ये आप पिछला जो ग्लास दिया है वो भी है, हवा आने जाने के लिए केबिन के अंदर। ये देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा अंदर भी लेके चलते हैं गाड़ी का, गाड़ी का अंदर का हिस्सा हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये अभी फैब्रिकेशन के लिए लाई गई है, अभी इसके अंदर थर्माकोल भर दिया गया है दीवारों में, ये वाली दीवार जो है, ये वाली दीवार इसके अंदर इधर पेंट हो गया, फिर थर्माकोल है, फिर वापस अंदर जस्ती शीट लगी हुई है। तो ये है, नई गाड़ी है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, ये सीट एडजस्टेबल होती है, कंफर्टेबल होती है, जैसे
ये एक शॉकर होता है, शॉक एब्जॉर्बर इसके अंदर होता है, यानी जो दशकी लगती है जो उसमें आराम मिलता है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। एडजस्टेबल सीट हुई, 12-10 टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग होते हैं आजकल हर गाड़ियों में मोस्टली, ये आप देख सकते हैं अंदर का केबिन। ये देखिए ये लीवर्स हैं अलग अलग, एक्सेलरेटर है, क्लच दिया है और ब्रेक है सब, ये सब आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर का हिस्सा। ये देखिए दोस्तों डैशबोर्ड है, ब्लोअर सिस्टम आपको दिया हुआ पूरा है सब, ये है स्टेयरिंग है, ये डैशबोर्ड है, सब इसमें मिलेगा आपको इस। तो ये गाड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम नहीं बताने जा रहे हैं आज, खाली ये तो आपको गाड़ी से मिलवाना था। असेंबली फैब्रिकेशन यूनिट का एक हमारा आज मेरा प्लान था इधर आना, इस तरह की कोई गाड़ी हम दिखाना चाह रहे थे अपने चैनल पे, कोई थी भी नहीं तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। कोई भाई अगर इस तरह की गाड़ी बनवाना चाहते हैं तो हमसे आप हमारा कोट ले सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं, उसमें भी हम आपको जो मिनिमम कोट होगा हमारा वो हम आपको देंगे। कोई बनवाना चाहते हैं मिल्कमैन, अगर कोई ट्रांसपोर्टर भाई हैं वो बनवाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9560-740-112, राज सागर चौधरी दिल्ली से, RS ग्रीन ब्लॉक्स। तो इस तरह की गाड़ियाँ हमारे पास आती रहती है डिफरेंट एप्लीकेशन की, अलग अलग, कोई मिल्क की आती है, कभी मेडिसिन की अलग बनती है, कभी मार्केट लोड की अलग बनती है, कभी बल्कर बनता है, अभी हम बल्कर पर भी काम कर रहे हैं, बल्कर का भी दिखाएंगे, सीमेंट बल्कर के उसका भी हम वाहन आपको जल्द ही दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देखते रहिए RS ग्रीन को, चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को, और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं इसको लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।